रात लोग सब काम छोड़ करके, खास करके मेरी महिला बहनें काम छोड़ करके यहाँ आए हैं मेरी बात सुनने के लिए। मैं आपका बहुत समय नहीं लूँगी क्योंकि स्कूल का वक्त भी है। मैं इतना ही कहूँगी कि मैं यहाँ जब से आई हूँ एक माँ बन करके आई हूँ। माँ बहुत सख्त भी होती है लेकिन दयालु भी होती है, और मैंने आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, देने के लिए आई। दो किस्म की चीज़ें मैं करती हूँ, एक तो बड़े बड़े चीज़ें जो मारना नहीं पॉलीटेक्निक वो भी बन रहा है अखंड नगर में, आपने मांगा बस अड्डे वहाँ भी कादीपुर में मैंने बनाया, सड़कें आपने मांगे हैं, ये सुल्तानपुर में 30 करोड़ के लिए चौड़ीकरण भी हो रहा है, और उसके अलावा हम लोग मैं लाई हूँ दिल्ली से 150 करोड़ रुपये बड़े बड़े सोना के बनाने के लिए, जो कोशिश आपने मेडिकल कॉलेज मांगा, मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है, FM स्टेशन इस महीने के अंत तक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा FM स्टेशन सुल्तानपुर से शुरू होगा आप, और उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी ही नहीं, आपके अपने चीज़ें रेडियो पर आप सुन पाएंगे। इसके अलावा वकीलों ने मांगा हॉल, उनको बड़ा हॉल मिला है, प्रेस वालों ने मांगा उनके लिए किया गया है। अब मैं क्या क्या बताऊँ, 700 गांव में हमने सारे बिजली के तारे बदले, नए ट्रांसफार्मर लगवाए, ये दो केंद्रीय एक कृषि विज्ञान केंद्र नया बना है। अब उत्तर प्रदेश में क्या, देश में केवल एक जगह है जहां दो कृषि विज्ञान केंद्र है और वो है सुल्तानपुर। अब कोशिश मेरी होती है कि जब भी मैं आती हूँ तो एक नई सौगात ला, लेकिन इससे बढ़कर के एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि इंसान को बड़े चीज़ों से कम लगा है, उसको अपने निजी घर का देखना पड़ता है। अब आपके घर में अगर आपके पड़ोसी के घर की गंदा पानी आपके घर में जाता है तो आपको एक बहुत तकलीफ होती है, और भगवान जाने किससे बात करें, इंसान सोचता है किससे मैं शिकायत करूँ। अगर आपके यहाँ आपने आपको सरकार ने पट्टा दिया कमरा बनाने के लिए और आपके पटीदार आपको बनाने नहीं दे रहे, तब भी जिंदगी रुक जाती है। अगर आपके पति को कोई बीमारी होती है और आपको मालूम नहीं कौन से अस्पताल में जाए और कहाँ से क्या, वहाँ खोला है हमने लगवा में, और 70 गांव में हमने छोटे छोटे एक एक कमरे के छोटे छोटे बीमारियों के लिए जगह खोली है जो शुरुआत हो रहे हैं आज से। मैं बहुत लंबा बोलती हूँ, मैंने कोशिश की जब से मैं आई हूँ कि आपको बड़े बड़े सौगात मिलाऊँ और आपको छोटे से काम में काम आऊँ। मैं जब आती हूँ मैं हर 15 दिन आती हूँ, और हर 15 दिन में मैं 3 दिन रहती हूँ, और वो 3 दिन कैसे जाते हैं, 9 सुबह के 7 बजे से लेकर के 10 बजे 200-300 लोग आते हैं अपने व्यक्तिगत सीट के लिए, किसी की जमीन में किसी के लिए। वहाँ खोला है हमने लगवा में, और 70 गांव में हमने छोटे छोटे एक एक कमरे के छोटे छोटे बीमारियों के लिए जगह खोली है जो शुरुआत हो रहे हैं आज से। मैं बहुत लंबा बोलती हूँ, मैंने कोशिश की जब से मैं आई हूँ कि आपको बड़े बड़े सौगात मिलाऊँ और आपको छोटे से काम में काम आऊँ। मैं जब आती हूँ मैं हर 15 दिन आती हूँ, और हर 15 दिन में मैं 3 दिन रहती हूँ, और वो 3 दिन कैसे जाते हैं, 9 सुबह के 7 बजे से लेकर के 10 बजे 200-300 लोग आते हैं अपने व्यक्तिगत सीट के लिए, किसी की जमीन में किसी 75-05-403-403। अगर आप इसको तो आप पार्टी के सदस्य बन जाएंगे, और इस तरह आपको हमारी जरूरत पड़ेगी तो आप कह सकते हैं कि हम बीजेपी के सदस्य हैं। अब जाहिर है कि हम घर वालों के लिए पहले करेंगे और फिर बाहर वालों के लिए, बात सही है कि नहीं सही है। एक और 75-05-403-403।
अब मैं और ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, मेरा लंबा दिन है आज। इसी सेक्टर मैं 10 गांव जा रही हूँ और एक एक गांव से मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई तकलीफ हो इलेक्शन के पास, जब इलेक्शन आता है ना तो बहुत लोगों का खून खौलता है और फिर वो बोलते हमारे लिए ये नहीं हुआ, हमारे लिए ये नहीं हुआ, हमारे लिए ये नहीं हुआ। बात सही है कि नहीं है? लेकिन हम कहते हैं इलेक्शन तो जब आएगा उससे बहुत पहले मुझे बताओ, उससे बहुत फिर मुझे बोलो कि हमने आपको बोला नहीं। विधायक जी को जिन्होंने हर चीज में बहुत मेहनत की है, लखनऊ में मंत्री मंत्री के यहाँ जा करके उन्होंने इनका स्वीकार करवाया। मैं बड़े सोगा बहुत सारे ला चुकी, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे चौड़ीकरण सड़कों का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे पुलों का हो, चाहे सब स्टेशन का हो, चाहे पुलिस स्टेशन का हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, एक नया वाला, अन्य चीजें हो। लेकिन उसके अलावा जो मेरी दिलचस्पी होती है वो है एक साधारण औरत की। मैं माँ हूँ और आपकी ही माँ हूँ। मैं मुझे मालूम है कि बड़े बड़े काम तो अपनी जगह है, छोटे काम है। इसमें विधायक जी ने हमारी बहुत मदद की है। आपके क्षेत्र में आप लोगों ने 3-4 मुख्य मांग रखी थी। एक तो मांग आपने रखी थी कि यहाँ दोस्तपुर से तादीपुर तक सड़क बन जाए, वो बन गई है। फिर आपने मांग रखी है कि कादीपुर से अखंड नगर तक लंबी सड़क बन जाए, वो भी बन रही है। आपने कहा था कि एक नवोदय विद्यालय शुरू करना है, वो करीबन 50 से 100 करोड़ लगता है, वो बन रही है। आपने कहा था कि पॉलिटेक्निक बन जाए, वो भी बन गई है। आपने कहा था कि एक सब स्टेशन बन गया और इतनी सुंदर मजमा आपने बनाया है। विधायक जी का धन्यवाद देती हूँ कि इन 5 सालों में जिसमें से मैं 3 साल से रही हूँ, हम दोनों ने मिल करके कोशिश की है कि जो आपकी मोटी मोटी मांग थी उनको हम लोग पूरा करें। आपने मांग की थी, जो मैं जानती हूँ, एक दोस्तपुर से कालीपुर तक सड़क, वो बन गई। आपने मांगा एक कालीपुर से अखंड नगर तक सड़क, वो बन रही है। आपने मांगा एक 100 करोड़ रुपए का नवोदय विद्यालय, वो भी अगले साल तक बन जाएगा। आपने मांगा एक पॉलिटेक्निक, वो लगभग बन चुकी है जिसमें नौजवान जाएंगे।